everyone, welcome back to my channel and welcome back to another video from Diwali with Rini series. This is video number 4 from the series और इस पूरी सीरीज में मैं आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग कंटेंट लेके आ रही हूँ. तो अगर आपने वीडियोस पहले की नहीं देखी है तो डू वॉच देम. आई विल लिंक द होल प्लेलिस्ट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ शॉपिंग हॉल ऑफ जनपथ मार्केट. अगर आपने मेरी प्रीवियस वाली वीडियो नहीं देखी तो डू वॉच इट. उसमें मैंने आपको पूरा जनपथ का लेटेस्ट कलेक्शन शो किया है. जो भी फेस्टिव कलेक्शन आया हुआ है, बेस्ट शॉप्स और जो नॉर्मल कलेक्शन होते हैं, सब चीजें मैंने आपके साथ वहाँ पे शेयर करी अलॉन्ग विद द प्राइसेस. टू वॉच दैट वीडियो आई विल लिंक इट डाउन बिलो. Before moving ahead, I want to talk about a giveaway that is running on my channel, जिसमें आप काफी easy rules follow करके काफी अच्छे अच्छे gifts जीत सकते हो. तो पहले देख लेते हैं क्या gifts आप जीतोगे. Gift number 1 is this beautiful mirror work ethnic potli, perfect for any wedding or festive season. Gift number 2 are these beautiful statement earrings. Gift number 3 is this layered neck piece. Gift number 4 is this so matte lipstick by Nykaa. You can win all these gifts along with 2 surprise gifts from my end by following simple rules. So, अगर आपको rules जानने हैं plus more information जानी है तो आप मेरी giveaway वाली video देख लेना. I will link it down below and then you can participate in the giveaway. Last date to participate is 28th October to participate. तो चलिए आप देखते हैं quick shopping haul of Janpath Market. My first purchase is this shirt, this denim shirt. इसका जो shade है काफी dark है तो इस तरह का shade मेरे पास नहीं था. मेरे पास एक light वाली है but ये वाला थोड़ा dark है. Plus इसकी जो length है वो लंबी है. अभी मैं आपको फोटो इंसर्ट कर दूंगी तो आपको बेटर एक आइडिया लग सकेगा. सो दिस इज़ रियली गुड और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है. इसमें कॉलर है और कलर स्पेशली मुझे काफ़ी अच्छा लगा. तो ये मैंने सिर्फ खरीदी थी 250 रुपीज़ की. शॉपकीपर ने कोट तो किया था 500 रुपीज़ बट आई गॉट इट एट जस्ट रुपीज़ 250. इसी शर्ट से मैच करने के लिए आई गॉट दीज बेल बॉटम्स. तो इसमें नीचे इस तरह से कुछ रिप डिटेल्स टाइप हैं या फिर फ्रिंजेस आप कह सकते हो. तो ये काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है और अगेन ये सेम जो कलर है उसी में है. इट ऑल्सो हैज़ दिस थ्रेड ताकि आप थोड़ा टाइट और लूज कर सको. प्लस इलास्टिक भी है तो काफ़ी डिफरेंट सा है. मैंने पहली बार कुछ इस तरह का ट्राई किया है. पहली बार कुछ जो बॉटम वेयर है वो मैंने इस तरह से स्ट्रीट मार्केट से लिया है. बट मैंने सोचा क्यों ना एक बार एक्सपेरिमेंट किया जाए. थोड़ा साइजिंग का इशू रहता है बॉटम वेयर में बट मैंने देखा कि इसमें इलास्टिक वगैरह है तो मुझे लगा ये फिट आ जाएगा और ये एकदम परफेक्टली फिट आया. ये भी मुझे मिला सिर्फ 250 रुपये. माई नेक्स्ट परचेज इज दिस कुर्ती. तो ये एक ब्यूटीफुल पिंक कलर में कुर्ती है. पूरे में प्रिंट है और कॉटन की कुर्ती है. दिस इज सो कम्फर्टेबल इन समर्स क्योंकि मेरे पास ऐसी एक और कुर्ती है तो मुझे पता है कितनी ज़्यादा कम्फर्टेबल लगती है. एकदम चुपती चलती गर्मी में एकदम बढ़िया लगती है क्योंकि काफ़ी लाइट वेट है और जीन्स के साथ पेयर अप करके काफ़ी स्मार्ट लगती है. अगर आप स्लीवलेस में कंफर्टेबल नहीं है तो इसमें दूसरा ऑप्शन भी होता है जिसमें 3/4 स्लीव्स वाली जो कुर्ती हैं वो भी होती हैं. प्लस इस शॉप में काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं. जनपथ मार्केट में स्टार्टिंग से पहले कुछ शॉप्स हैं राइट और लेफ्ट साइड में तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हो. मैं शॉप का नाम आपको स्क्रीन पर मैंशन कर दूँगी. अभी मुझे याद नहीं आ रहा. इट्स आइदर फैशन पैराडाइज और फैशन पॉइंट जो भी नाम है मैं आपको स्क्रीन पर मैंशन कर दूँगी. आई गॉट दिस फॉर आई थिंक 280 रुपीज़ और 300 रुपीज़ आई एम नॉट श्योर पर ऐसा ही कुछ था. सो या दैट्स द नेक्स्ट परचेज. नेक्स्ट अप आई गॉट दिस लॉन्ग ड्रेस. दिस इज़ अ स्पेगेटी ड्रेस इन इंडिगो प्रिंट. तो इंडिगो का भी उनके पास काफ़ी कलेक्शन होता है. अगर आपको इंडिगो में कुछ भी चाहिए ना तो डू गिव दैट शॉप अ विजिट क्योंकि इतना ज़्यादा कलेक्शन होता है हर चीज़ में. फ्रॉम काफ्तान्स टू ड्रेसेस टू कुर्तीज टू शॉर्ट कुर्तीज हर चीज़ में उनके पास इंडिगो का भर भर के कलेक्शन होता है. तो डू चेक दैट शॉप. तो मैंने खरीदी थी ये स्पेगेटी वाली ड्रेस. ये पूरी लंबा सा ड्रेस है. ड्रेस इसमें पूरे में प्रिंट है. सो दिस इज़ बेसिकली अ कुर्ती क्योंकि इसमें साइड में ना जो कट है वो काफ़ी है तो आपको नीचे लेगिंग पहननी ही पड़ेगी. फ्यू पिक दिस काफ़ी ब्यूटीफुल है अगेन इन कॉटन मटेरियल और मुझे काफ़ी प्रिटी लगी है. मैं कहीं भी अच्छे से इसे स्टाइल करूँगी विद सिल्वर ज्वेलरी. आई गॉट दिस फॉर अराउंड 800 रुपीज़ फ्रॉम द सेम शॉप. जैसा कि मैंने आपको बताया शॉप पे इंडिगो का काफ़ी बढ़िया कलेक्शन मिलता है तो मेरी मॉम ने भी एक अपने लिए कुर्ती खरीदी. सो दिस इज़ अ लॉन्ग कुर्ती. वैसे इसे जीन्स के साथ भी स्टाइल किया जा सकता है अदरवाइज लेगिंग के साथ भी अच्छी लगेगी. इसमें इस तरह से स्ट्राइप्स हैं एंड देन आगे पूरे में बटन डिटेलिंग है. राउंड नेक है और काफ़ी कंफर्टेबल अगेन मटीरियल है कॉटन मटीरियल है और इसका भी प्राइस था अराउंड 700 रुपीज़. नेक्स्ट इज दिस कुर्ती. तो इसमें चिकनकारी काइंड ऑफ वर्क है. नॉट एग्जैक्टली चिकनकारी पर कुछ उसी तरह से थ्रेड वर्क है.
एंड ये ब्लैक कलर में है पूरे में, इस तरह से वर्क हुआ हुआ है वाइट थ्रेड से, एंड अगेन इसका कॉटन मटेरियल है। तो इस तरह की चिकनकारी टाइप कुर्तीज़ भी आपको वहाँ पे काफ़ी सारी मिल जाएंगी, डिफरेंट पैटर्न्स में, डिफरेंट कलर्स में ऑफकोर्स। तो ये है नेक्स्ट कुर्ती। तो ये तो आप लेगिंग के साथ एंड अगेन जीन्स वगैरह के साथ पेयर अप कर सकते हो, प्लाजोज और पैंट्स के साथ भी अच्छी लगेगी। नॉर्मल जैसी कुर्ती होती है वो उसकी लेंथ है, अभी आपको मैं वीडियो में ट्राई ऑन में दिखा दूंगी। सो दिस इज द नेक्स्ट परचेज, दिस वॉज अगेन प्राइस आर ₹800। देन आई परचेज दीज थ्री कॉटन टी शर्ट्स। तो पहली तो बहुत ही ज़्यादा ही क्यूट है बनी वाली टी शर्ट, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, ग्रे और ब्लू कलर में। एंड देन इसके जो ईयर्स है ना ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगे मुझे, प्लस दीज आईज एंड ये उसने टंग दिखा रखी है। आई डोंट नो कि येलो कलर की टंग क्यों है, पर काफ़ी ये क्यूट सी टी शर्ट मुझे लगी। मुझे लगा कि ये मेरे लिए लूज होगी, बट ये क्योंकि मटीरियल थोड़ा ऐसा है कॉटन का मटीरियल, तो ये एकदम परफेक्ट आई, थोड़ी सी श्रिंक हो गई थी धुलने के बाद। सो या दिस इज हाउ द शर्ट लुक्स लाइक, टी शर्ट लुक्स लाइक। This I got for ₹250। Next I got this a black plain t-shirt। तो ये भी कॉटन मटेरियल की है और इसकी लेंथ उतनी ज़्यादा लंबी नहीं है, बट नॉट ऑल्सो क्रॉप्ड, तो कहीं बीच में आती है ये, और काफ़ी अच्छा मटेरियल है। अगेन इसका कॉटन मटेरियल है, मैंने इसे लेयर अप करने के लिए खरीदी है, एंड आई गॉट दिस फॉर ₹200। इसमें काफ़ी सारे कलर ऑप्शन और साइजेस अवेलेबल थे। नेक्स्ट आई हैव दिस स्ट्राइप्ड टी शर्ट इन कुकी मॉन्स्टर। तो इस पर कुकी मॉन्स्टर का पूरा प्रिंट बना हुआ है। तो जब ये शॉपकीपर मुझे दिखा रहा था ना, मुझे लग रहा था कि ये मेरे लिए लूज होगी, क्योंकि आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा ये लंबी है। तो मुझे लगा कि ये मेरे लूज होगी, मैंने शॉपकीपर से बोला, पर पता नहीं कैसे उसने मेरा बुद्धू बना दिया कि नहीं मैडम ये तो आपकी एकदम परफेक्ट आएगी, लूज कैसे हो सकती है। उसने मुझे मेजर करके भी दिखाया, पर पता नहीं कैसे मैं बुद्धू बन गई और मैंने खरीद ली। तो अभी मुझे इसकी फिटिंग करवानी पड़ेगी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लूज है, अदरवाइज मैं नॉट करके भी पहन सकती हूँ, पर मुझे लगता है फिटिंग करवा लेनी चाहिए। आई गॉट दिस फॉर ₹200 और मुझे काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगा। As I told you, this top is loose on me. So if any top is loose on you, you can wear it as a night suit or like a normal top, or you can style it properly by tying a knot to give it a nice fitting, and you can also wear it outside for a comfortable day look. Now I will show you a few items that my friend picked. Her first purchase are these heels. It has velvet sort of material in the knot. और इसका साइज़ है अराउंड 2.5 inches, और जो डीपॉल वाली शॉप है उसके साइड में एक शू शॉप है, वहाँ से उसने खरीदी थी। हर नेक्स्ट परचेज इज़ दिस टॉप, अगेन इन कॉटन मटेरियल, जहाँ से मैंने अपने टॉप्स खरीदे थे वहीं से ही उसने ये टॉप खरीदा था। फ्लैट ₹200 की सेल थी, सो दिस टॉप इज़ प्राइस ₹200। इसमें फ्लावर का प्रिंट है एंड कलर काफ़ी ब्राइट है। So guys, this was a quick shopping haul of Janpath Market. I hope you enjoyed watching this video. Please do watch all the videos linked in the description box. Do subscribe to my channel, follow me on my Instagram. I will see you next time. Till then, bye bye. Take care.